हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मजहर अली और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं तहकीक पे, रिसर्च पे। रिसर्च एक क्रिएटिव, लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वर्क है जिससे हम डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और नॉलेज हासिल करते हैं, या एक सोसाइटी को हम एक न्यू नॉलेज हम देते हैं, या न्यू पैटर्न्स देते हैं, न्यू सॉल्यूशंस देते हैं जिससे आगे चल के हम उस प्रॉब्लम को और एक नए तरीके से हल करते हैं। इसीलिए रिसर्च हमेशा जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती है, जो हिडन हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हिडन डेटा है, उनको डिस्कवर करती है और उनको सॉल्व करती है, और उन सॉल्यूशंस के लिए एक मेथोडोलॉजी वो पेश करती है, और इस मेथोडोलॉजी के तहत वो जो मॉडल बनते हैं या जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उन डेटा को एनालाइज किया जाता है, और जो हम हमारा मकसद होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके दुनिया को एक नई नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन देते हैं, या इदारों को हम एक सॉल्यूशंस देते हैं, कंट्रीज को, सोसाइटीज को, नेशंस को हम सॉल्यूशंस देते हैं कि इन सॉल्यूशंस के तहत आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इन मॉडल्स को इस्तेमाल करके आप अपने जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकते हैं, यही तहकीक का मकसद है। इसीलिए दुनिया में जितनी भी तब्दीलियां आई हैं, दुनिया में जो भी तरक्की हुई है उसमें अहम जो रोल है, अहम किरदार है वो तहकीक का है। इस वक्त जिस डिजिटल एज में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या जो ग्लोबलाइजेशन में हम जी रहे हैं, इसके पीछे जो रोल है वो रिसर्च का है, तहकीक का है, और तहकीक ने एक ट्रेडिशनल वर्ल्ड को ग्लोबल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दिया है, एक डिजिटल दुनिया में कन्वर्ट कर दिया है। ये सब तहकीक की वजह से, वो सोशल साइंसेस में तहकीक हो, वो साइंस में तहकीक हो, अप्लाइड साइंस में तहकीक हो, किसी भी फील्ड में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, मेडिसिन में हो, जिस भी फील्ड में तहकीक हो, मगर फाइनल उसका जो रिजल्ट है वो डेवलपमेंट है, वो एक हिडन पैटर्न को ओपन करना है, दुनिया को नई नॉलेज, नए तरीके का या न्यू मेथोडोलॉजी देना है, और ताकि दुनिया उनको यूज करके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सके और नई चीजें दरियाफ्त कर सके। जो न्यू चीजें हम डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं, उसके पीछे भी जो रोल है वो तहकीक का है। इसीलिए जो तहकीक करते हैं उनका हमारे समाज में, हमारे इदारों में, हमारी दुनिया में बहुत अहम किरदार है, उनकी बहुत बड़ी हैसियत है। जो तहकीक करते हैं, जिनको मुहकिक कहते हैं, जिनको रिसर्चर कहते हैं, और जो वो तहकीक करते हैं उन मुहकिक्स की, उन रिसर्चर्स की, उनकी तहकीक ही आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। वो मुहकिक अपनी तहकीक के जरिए पहचाने जाते हैं, जो आइंस्टाइन ने जो काम किया उसकी तहकीक आज उसकी आइडेंटिफिकेशन है, स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च उसकी आइडेंटिफिकेशन है। इसलिए जो मुहकिक अपने या रिसर्चर जो तहकीक करने के दौरान जो तहकीक के हर पहलू का ख्याल रखता है वही असल तहकीक है, वही प्रॉपर तहकीक है, वही तहकीक उसकी आइडेंटिफिकेशन बनती है, क्योंकि वो जो उसूल हैं वो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेके कंक्लूजन तक है। उसमें प्रॉब्लम को कैसे बयान करना है, प्रॉब्लम को सिग्निफिकेंस कैसे बयान करनी है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस एंड लिमिटेशंस जो है हमारी, या स्कोप है तहकीक का, उसको बयान करने से लेके उस प्रॉब्लम को साबित करने के लिए लिटरेचर सर्वे करना, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉडल्स बनाना और एक मेथडोलॉजी बनाना, उस मेथडोलॉजी के तहत उस मॉडल को एनालाइज करना, रिजल्ट लेना और फिर उनको कंक्लूड करना, और जो इससे उस जो आप तहकीक करते हैं उससे पहले जो तहकीक हो चुकी है उन तहकीक को रेफरेंस करना, साइट करना, ये सब हैं अपना स्टेप्स हैं तहकीक के। इसके अलावा जो रिसर्च को रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको जो फॉलो करता है वही सक्सेसफुल रिसर्चर होता है, और वही उसकी तहकीक यूजफुल होती है, कारामद होती है, वही सॉल्यूशन देती है, वही दुनिया में चेंजिंग लाती है। इसीलिए जब भी आप तहकीक करें, जब भी रिसर्च करें, तो रिसर्च के प्रिंसिपल्स को, रिसर्च के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जरूर सामने रखें, अदरवाइज वो जो आपकी तहकीक है हो सके किसी आम से जनरल में छप भी जाए, हो सके किसी ऐसे जनरल में भी छप जाए जो पैसों के उन जिनकी फीस है छप
भी जाए मगर वो तहकीक रिसर्च के लिए ऐसे शर्मगी रहती है। जब वो रिसर्चर एक आला पाए का आगे चल के मौकिक बन जाता है, जब वो रिसर्चर एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, जब वो रिसर्चर प्रॉपर मेथोडोलॉजी बनाता है, दुनिया उसकी तहकीक को परखती है, उस वक्त उस रिसर्चर की जो शुरू की तहकीक है वो प्रॉब्लम करती है, इसीलिए वो मौके कोशिश करता है उस तहकीक को हाइड करे छुपाए, मगर जो हमारे काम है जो तहकीक की होती है वो कभी हाइड नहीं होती है, वो किसी न किसी वे में हमारे सामने आती है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि एक तो बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि उनको ये शौक होता है कि हम काउंटिंग उनमें क्वांटिटी की वो तरफ होते हैं, क्वालिटी की तरफ नहीं होते हैं, वो क्वांटिटी को फोकस करते हुए जैसे आम से पेपर लिखते हैं और मुख्तलिफ जर्नल्स में वो पब्लिश कराते हैं, इसका नतीजा ये निकलता है कि उनका नंबर ऑफ रिसर्च पेपर बहुत होता है मगर उसमें क्वालिटी नहीं होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जनरल को भी एवेल्यूएट नहीं करते वो जनरल रिकग्नाइज है या नहीं है, बस उनका पेपर छपना चाहिए। कभी कभी आम से जर्नल्स में जो रिकग्नाइज नहीं होते हैं उनमें बहुत अच्छी तहकीक भी पब्लिश हो जाती है मगर वो उनको इतना फायदा नहीं देती है। हमेशा जब भी हम तहकीक करें, आप तहकीक करें, एक तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च पे फोकस करें और क्वालिटी क्वालिटी जर्नल फाइंड करें, उसमें पब्लिश करें। ये जो हैबिट्स यहाँ डेवलप हो गई हैं, बस पेपर होना चाहिए, ये बहुत नुकसानदेह, आगे चल के ये बहुत परेशानी का सबब बनते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, रिफ्रेजिंग करते हैं, पेपर किसी और का होता है, मेथोडोलॉजी किसी और की होती है, कॉन्सेप्ट जो रिसर्च कॉन्सेप्ट है वो किसी और का होता है, वो क्या करते हैं जो मटीरियल टेक्स्ट है उसको रिफ्रेजिंग करते हैं और डेटा को शफल करते हैं, जो एक प्लेजरिज्म है, जो एक फ्रॉड है, जो एक धोखा है अपने आप से भी और दुनिया से भी, उसको रिफ्रेजिंग करके उसका प्लेजरिज्म चेक करते हैं, वो 19 होती है, वो किसी जर्नल में भेजते हैं। तो जो अच्छे जर्नल होते हैं, क्वालिटी वाले जर्नल होते हैं, वो तो उस तहकीक को नहीं पब्लिश करते हैं मगर जो आम जर्नल होते हैं वो उसको पब्लिश कर देते हैं, या जो अपने मीडियम लेवल के जर्नल हैं वो उसको पब्लिश कर देते हैं, मगर वो जो रिसर्चर है बहुत खुश होता है कि देखें मेरे इतने रिसर्च पेपर हो गए, बट उसने क्या किया, उसने धोखा किया। आगे चल के वो प्लेजरिज्म में आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका किसी ने ऐसे रिफ्रेजिंग किया, आप देखते हैं ये तो मेरा काम है, जस्ट उसका टेक्स्ट चेंज किया गया है और आप उसको क्लेम करते हैं, तो भले वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हो बट उसका सब कुछ चला जाएगा। तो ये लॉस होते हैं। कुछ हमारे लोग क्या करते हैं कि वो अपनी फील्ड के अलावा जो दूसरों की फील्ड होती है उनको कहते हैं यार मेरा नाम अपने रिसर्च पेपर में शामिल कर दो, जबकि उनकी फील्ड में नहीं है, वो अपना नाम शामिल करा के पेपर छपवाते हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि वो खुद काम नहीं करते हैं, जो दूसरे काम करते हैं उनको कहते हैं कि हमारा पेपर में नाम डाल दें, जबकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, दैट इज ऑल्सो अनएथिकल, एथिकल नहीं है। हमेशा तहकीक उस तहकीक में आप हिस्सेदार बने जिस तहकीक में आप का रोल हो, आपका कंट्रीब्यूशन हो, अदरवाइज वो तहकीक आपकी तो है नहीं, नो डाउट आपके क्रेडिट पे पेपर तो आ जाएगा मगर एक टाइम पे वो भी आप फील करेंगे, ट्राई फील करेंगे कि यार ये मेरा काम तो नहीं है, जब आप किसी लेवल पे आ जाते हैं। मोस्टली ये वो लोग करते हैं जो प्रोमोशन के चक्कर में होते हैं या जिनको शौक होता है कि मेरे नाम पे ज्यादा पेपर हो, ये वही लोग करते हैं। तो इस तरह की जो ये तहकीक है ये बहुत नुकसानदायक। आज का मेरा जो आपसे ये लेक्चर डिस्कस था, इसका मकसद ये नहीं था कि मैं आपको तहकीक के उसूल तो नहीं कर रहा था, बताना नहीं चाहता था कि तहकीक है वो, मैं किसी और लेक्चर में बताऊंगा कि तहकीक हमें कैसे करनी चाहिए, एक इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, या आगे चल के मेरा ये भी इरादा है पेपर रिव्यू कैसे करने चाहिए, उसमें क्या चीजें फोकस करनी चाहिए, मगर आज मेरा सिर्फ ये मकसद था ये बताना कि कभी कभी हमारे लिए हमारे अपने रिसर्च पेपर बाय से शर्मिंदगी होते हैं, शर्मिंदगी का सबब बनते हैं, जो हम शुरू में ऐसे लिखते हैं जो तहकीक डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जस्ट हम एक बयान स्टेटमेंट बयान करते हैं, जैसे एक स्टोरी है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आजकल तो हर बंदा कह रहा है भाई ये मैंने रिसर्च की है, ओके आपने रिसर्च की है मगर उसने रिसर्च के उसूल फॉलो नहीं किए हैं। रिसर्च होती है वो है जो जेन्युइन हो, असली हो, न्यू हो, एंड
अकॉर्डिंग टू रिसर्च प्रिंसिपल्स हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते करे वही रिसर्च है, अदरवाइज वो रिसर्च नहीं है, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है उस रिसर्च के लिए फ्यूचर में। तो उम्मीद के आपको ये मेरी थोड़ी बातें अच्छी लगी होंगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर न्यू रिसर्चर हैं या इस वक्त मीडियम लेवल पे हैं, तो आपको अपनी सोच को रिवाइज करना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, मगर मैंने कुछ ऐसे पेपर देखे हैं, कुछ ऐसे लोग देखे हैं, जब मैं उनका नंबर ज़रा हाई देखता हूँ, जब मैं उनके पेपर में जाता हूँ, तो मुझे उनमें रिफ्रेशिंग भी नजर आती है, क्योंकि मैं एक रिव्यूअर हूँ, इनफैक्ट फैक्टर जनरल के पेपर रिव्यू करता हूँ, तो आइडिया हो गया, ट्रेनिंग्स भी हुई हैं हाउ टू रिव्यू द रिसर्च पेपर, तो पता चल जाता है। यहाँ जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल एक काम रिसर्च पेपर है, वो है तो एक बंदे का या दो बंदे का, उनमें 8 बंदों का नाम होता है, तो ये उस पेपर की जो क्वालिटी वो चली जाती है। इसीलिए जब भी आप काम करें, क्वालिटी वाला काम करें, थोड़ा करें बट अच्छा करें, क्वांटिटी की तरफ ना जाएं, क्वालिटी की तरफ जाएं, और जो अगर आपका किसी पेपर में कंट्रीब्यूशन है तो आप अपना नाम उसमें डेफिनेटली आपका होना चाहिए, आपका राइट है, मगर अगर आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो डोंट गो फॉर क्वांटिटी, ये आपके लिए आगे चल के मसला हो सकता है, शर्मगी हो सकती है। बहुत से मैंने ऐसे रिसर्चर देखे जो इस वक्त रियली बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, मगर वो अपने पुराने पेपर्स को हाइड करने के होते हैं, वो अपने पुराने पेपर को छुपाते रहते हैं कि हम कैसे इसको छुपाएं, क्योंकि वो पेपर उस क्वालिटी के नहीं, ये हर बंदे से होता है। डेफिनेटली बंदा सीखता है लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी तरफ, मतलब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे काम रिसर्चर्स का काम लें, उसको रिफ्रेश करें, या दूसरों काम किसी एक का हो और आप उसमें अपने नाम शामिल कराएं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए पेपर अपना लिखें। और एक और बात मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी पेपर छपाएं उस जर्नल को जरूर एवेल्यूएट करें, या बहुत से पेपर लोग छपाते हैं जो उनके काम के नहीं होते हैं, इवन उनके प्रमोशन में भी काम नहीं आते हैं, उनके जॉब में भी काम नहीं आते, क्योंकि वो जनरल वो चूज करते हैं जो जनरल रिकग्नाइज नहीं होते हैं, ना नेशनल लेवल पे ना इंटरनेशनल लेवल पे वो रिकग्नाइज नहीं होते हैं, और वो उन जनरल में अपना जो है पेपर पब्लिश कराते हैं जस्ट क्वान्टिटी के लिए, क्योंकि वो इनसे फीस लेते हैं और फीस के बस उनका जल्दी पेपर महीने में प्रिंट कर लेते हैं। तो जब भी आप पेपर छपाएं क्वालिटी जनरल देंगे, भले आपको पेपर पब्लिश होने में 2 साल लगे, 1 साल लगे, मगर क्वालिटी अलाओ, उससे क्या है कि आप सीखेंगे, पेपर रिसर्च करना सीखेंगे, जब वो कमेंट्स आएंगे भले पब्लिश रिजेक्ट हो, मगर अच्छा जनरल हमेशा आपको कमेंट जरूर देगा, उस कमेंट को आप रिव्यू करें और उसके मुताबिक पेपर बनाएं, वो चीजें अपने माइंड में रखें, उसमें आपकी मॉडल डेवलपमेंट आपको आ जाएगी, हर चीज आ जाएगी, आप फ्यूचर में 3 साल 5 साल के बाद बहुत अच्छे रिसर्चर हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे, जुगाड़ पे रहेंगे, जुगाड़ी जर्नल्स में अपने पेपर छपाएंगे, नाम के लिए छपाएंगे, तो आप कभी आप अच्छे रिसर्चर नहीं बन पाएंगे, आपकी इवन डिग्री जो भी आपकी रिसर्च डिग्री है वो आपके लिए मतलब आपके लेवल की नहीं होगी, जब आप किसी को बताएंगे कि मैं मेरी ये डिग्री है, और जब आपका रिसर्च वर्क उसके बरक्स नहीं हो, मतलब उसके लेवल का नहीं होगा, बरक्स नहीं होगा, तो लोग कहेंगे नहीं इसने जुगाड़ी कोई डिग्री नहीं है, ये फोकस योर रिसर्च पर, फोकस द क्वालिटी जर्नल, ये आपका फ्यूचर है, इससे ही आप आगे आएंगे। थैंक यू वेरी मच, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, एंड मेरे इस यूट्यूब अकाउंट को, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकॉन पे भी आप प्रेस करें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ये टोटली एजुकेशनल चैनल है जिसमें आपको एजुकेशन पे ही मिलेंगे, मतलब इंफॉर्मेटिव आपको लेक्चर ही मिलेंगे। अपना बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।